हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रंजीत सिंह। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं टीजीटी इंग्लिश को लेकर, जो वैकेंसीज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा 2022 में आई थी। डियर फ्रेंड्स, जो नया आयोग है उसका गठन हो गया है, चेयरमैन की नियुक्ति भी हो गई है और बहुत जल्दी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस की नियुक्ति भी हो जाएगी। जहां तक एग्जाम की संभावना है, लोग बता रहे हैं कि दिसंबर या उसके बाद एग्जाम्स हो सकते हैं। तो बात करना हूं मैं आपसे कि टीजीटी इंग्लिश की तैयारी के लिए अब जो महीने बचे हैं आपके पास, 3 और 4, इनमें आप क्या पढ़ें। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ बुक्स सजेस्ट कर रहा हूं, जिन बुक्स को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छे लेवल की हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं अपनी टीजीटी इंग्लिश का की बुक का, जो कि 3rd एडिशन है। डियर फ्रेंड्स, ये जो 3rd एडिशन है, ये पहले के 1st एडिशन जिसका कवर पेज आप देख रहे हैं, और ये 2nd एडिशन जिसका कवर पेज आप देख रहे हैं 2nd वॉल्यूम करके। इसके बाद अब ये 3rd एडिशन व्हाइट कलर में है। ये एडिशन पहले के दोनों एडिशन से बहुत अपडेटेड है, बहुत बेहतर है, बहुत सारी नई चीजें इसमें ऐड की गई हैं, प्लस लर्न करने के लिए चीजों को बहुत इजी बनाया गया है। बहुत सारे लिटरेचर के टर्म्स ऐसे हैं जिनको प्रेजेंटेशन के थ्रू, ग्राफ के थ्रू, डायग्राम के थ्रू लर्न करने के मेथड्स इसमें बताए गए हैं। एमसीक्यूज की संख्या भी इसमें पहले से ज्यादा है, और चूंकि बुक एडिट की गई है, अगर पहले की बुक्स में कोई एरर रह गई होगी तो इस बुक में उन एरर्स को हटाने की भी पूरी व्यवस्था की गई है। डियर फ्रेंड्स, ये बुक जो है 3rd एडिशन, ये आपको इसी कलर्ड प्रिंटिंग है, ये ब्लैक एंड व्हाइट की जगह रेड और बाकी सारे कलर्स में अवेलेबल है ये बुक, ताकि स्टूडेंट्स को एक बेहतर तरीके से चीजें समझाई जा सके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के माध्यम से। इसीलिए मैंने इस बुक को कलर्ड प्रिंटिंग में उतारा है इस बार। जब आप इस बुक की तैयारी कर लेते हैं 3rd एडिशन की, तो ध्यान रखिए इसके बाद बारी आती है प्रैक्टिस करने की। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने बुक की प्रैक्टिस करने के लिए, ये जो आप देख रहे हैं कवर पेज, 50 प्रैक्टिस पेपर्स का सेट है ये, और ये प्रैक्टिस पेपर्स का नया एडिशन है, क्योंकि जो प्रैक्टिस पेपर का पुराना एडिशन अवेलेबल था मार्केट में, जिसका कवर पेज ये आप थोड़ी देर को देख रहे हैं, ये ओल्ड एडिशन है, और इस एडिशन में बहुत सारी रिपीटेशंस थी, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो पीजीटी लेवल के थे, नेट लेवल के थे, टीजीटी के सिलेबस के बाहर के थे। लेकिन ये जो नया एडिशन है, 50 प्रैक्टिस पेपर्स का, छोटे साइज की बुक है ये, इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो टीजीटी इंग्लिश उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो सिलेबस है उस सिलेबस के बाहर का हो। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो 5000-6000 क्वेश्चंस एमसीक्यूज दिए हुए हैं इसमें, ग्रामर और लिटरेचर का, इनमें कोई भी क्वेश्चन आपको टीजीटी इंग्लिश उत्तर प्रदेश के सिलेबस के बाहर का नहीं मिलेगा, एकदम गारंटी के साथ। कोई भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं होगा। जब भी आप कोई भी सेट लगाएंगे तो आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होंगे, कोई भी एरर नहीं होगी, बिल्कुल बेहतर तरीके से है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अब आप पहले वाले प्रैक्टिस पेपर को ना लें, अब आप नए वाले प्रैक्टिस पेपर जो है, शॉर्ट साइज की बुक है, इस बुक को लें, इस प्रैक्टिस पेपर को लें, और इसी के तहत सारे प्रैक्टिस पेपर, सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। अब अगर आपने इन 50 प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व कर लिया, इसके बाद तो डियर फ्रेंड्स, इसके बाद एक छोटी सी बुक और है 25 प्रैक्टिस पेपर्स की, जिसमें जो एमसीक्यूज हैं वो बहुत नेक्स्ट लेवल के हैं, अर्थात इन 50 प्रैक्टिस पेपर्स से अलग हैं और लेवल इसका थोड़ा सा टफ है। तो अगर आपको लगता है आपकी तैयारी हो गई है, आपने 50 प्रैक्टिस पेपर्स सॉल्व कर लिए हैं, तो अब बारी आती है 25 प्रैक्टिस पेपर्स वाली बुक को सॉल्व करने की। और इसमें 25 प्रैक्टिस पेपर्स में 20 प्रैक्टिस पेपर्स तो लिटरेचर और ग्रामर से हैं, जिनमें बहुत टफ लेवल के एमसीक्यूज दिए हुए हैं, बहुत डीप जाके टेक्स्ट में से वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको सारे टेक्स्ट की, सिलेबस के अच्छी सी जानकारी होगी। साथ ही में 5 प्रैक्टिस पेपर्स लास्ट में जो दिए हैं वो लिटरेरी टर्म्स बेस्ड हैं।
क्योंकि टीजीटी इंग्लिश के सिलेबस में लिटरेरी टर्म्स भी एडेड है, तो आपको इन लास्ट के 5 प्रैक्टिस पेपर्स में लिटरेरी टर्म्स की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। अगर आप इस 25 प्रैक्टिस पेपर्स को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, अच्छे से हल कर लेते हैं, तो आपकी प्रेपरेशन एक लेवल तक, एक बढ़िया लेवल तक पहुंच जाएगी। अब इसके सिवा भी अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं डियर फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिए, मैंने लिटरेरी टर्म्स की एक अलग से बुक लेकर आया हूं। ये कवर पेज है उस लिटरेरी टर्म्स की बुक का। इसमें चाहे सारी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, लिटरेरी टर्म्स है, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर है, जितने मूवमेंट्स हैं, ये सारे इन डिटेल, इसके साथ में एमसीक्यू और वन लाइनर, इवन स्टेंजा फॉर्म्स, सारी चीजें दी हुई हैं। डियर फ्रेंड्स, एक चीज आपको और बतानी थी कि अगर आपने ये सारी बुक्स की आप प्रेपरेशन कर लेते हैं, ये सारी बुक्स बढ़िया से स्टडी कर लेते हैं, खूब अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आप निश्चित ही आने वाले एग्जाम्स में बहुत बेहतर कर पाएंगे। आप एक बहुत अच्छी रेंज में जाकर 120 के आसपास, 110 या 100 प्लस ऊपर जाकर आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए आपने जो पढ़ा है अब तक, इसके बाद आप इन बुक्स को लें और इन बुक्स से ही तैयारी करें, इन बुक्स से ही प्रैक्टिस करें, और निश्चित ही आपको एक आने वाले एग्जाम्स में सफलता मिलेगी। एक चीज आपको और बता दूं फ्रेंड्स, कि मैं इस समय काम कर रहा हूं एक बुक पर जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और इस हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बुक में मैंने कोशिश की है कि थियरी, एमसीक्यू और वन लाइनर तीनों का कॉम्बिनेशन रहे, ताकि मैं लगभग 400 पेजेस के आसपास पूरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कवर कर सकूं। जितने रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट मैटर है उसको इन 400 पेजेस में, बड़े साइज की बुक है, इसमें पुट कर सकूं। और पूरी पूरी उम्मीद है मुझे कि दीपावली के आसपास ये बुक जो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर रिलीज होगी। और ये बुक्स, ये जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बुक है, ये सभी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स की, चाहे वो अकेडमिक एग्जाम हो या कम्पिटिटिव एग्जाम हो, सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप टीजीटी इंग्लिश की तैयारी के लिए इन बुक्स को ले लें और बहुत अच्छे से आने वाले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो वैकेंसी आई थी उसके टीजीटी एग्जाम की तैयारी करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।